नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। विगत तीन दिन पहले गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या के विरोध में वैश्य जागरूक मंच के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि विगत तीन दिन पहले गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या पुलिस कर्मियों द्वारा बेवजह कर दी गई, जबकि मनीष गुप्ता उत्तर प्रदेश के पूर्णतः निर्दोष एवं आम नागरिक हैं। उपरोक्त विषय में वैश्य जागरूक मंच महानगर द्वारा भेजे गए ज्ञापन में मुख्यमंत्री से निवेदन करता है कि पीड़ित परिवार को तुरंत 2 करोड़ का मुआवजा प्रदान किया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए जिससे कि किसी भी प्रकार का दबाव बनाने में कोई सक्षम न हो सके। उपरोक्त हत्याकांड की प्रदेश सरकार द्वारा जांच की संतुष्टि की जाए। संबंध में आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया, आज वैश्य जागरूक मंच की तरफ से ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को, जो गोरखपुर में मनीष गुप्ता के पति द्वारा नृशंस हत्या करी गई, उसके हत्यारों का अभी तक 3 दिन बीतने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं की गई। पुलिस ने बहुत जिला हवाला करके FIR दर्ज की है। हमारी मांग है कि उनके हत्यारों को तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके परिवार वालों को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। यही हमने मांग करते हुए आज ज्ञापन दिया है और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर हमारा जागरूक मंच आगे और भी कार्रवाई करेगा।